खरना सचकारक एन वरकारक गो आ जाना छठ करने तुमको नहीं आता है आग लग गया क्या हुआ एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वाला व्लॉग होने वाला है 3 दिन का व्लॉग, खरना सचकारक एंड वरकारक, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, तो स्किप मत करो भाई, पूरा देख के जाओ क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला आप लोगों को। एनीवेज, तो आज है खरना और अभी का अपडेट ये है कि मम्मी कर रही है तैयारी क्योंकि मम्मी को जाना है नानी के यहाँ, क्योंकि हमारा छठ होता है नानी के यहाँ। यहाँ से सारा सामान बटोर करके हम जाएंगे नानी के यहाँ, तो अभी वही तैयारी चल रही है। मम्मी चले जाएगी थोड़ी देर में। मेरा छठ का सामान पैक हो चुका है, साथ साथ मम्मी का भी पैकिंग हो चुका है, तो सब कुछ समेट करके मम्मी जाएगी नानी, यहाँ वहीं होगा छठ हमारा। और ये मम्मी सारा समेट रही, तुम्हारा तो सारा समेट दिए हम। पापा का कहना है कि ये सिविलाइज्ड ड्रेस नहीं है। लिखा पढ़ी वाला नहीं पहनो ना, लिखा पढ़ी वाला गोवा जाना था पहनेगा, लिखा पढ़ी वाला पहनेगा दिया पुता है। फुल तो नहीं, हाफ सिविलाइज तो आज पहने हो, गुड। पापा शायद आज खुश हो जाए अब थोड़ा सा। ए भगवान, पीछे क्या है? बोलेंगे फिर पीछे के लिए डीमंस। हल्का हल्का तो सोई नहीं हो ऐसे ही लिया, लोग ही सुई क्या खरना खा के दवाई खा लेना फिर ठीक है। गई मम्मी लोग, हम जाएंगे शाम में खरना के पूजा के समय, क्योंकि घर पे रहना भी तो किसी को जरूरी है। अब मिलते हैं डायरेक्ट शाम में जब खरना में जाएंगे। नानियाँ आ चुकी है, लेकिन इससे पहले गए थे दुकान पे पापा को चाबी देने के लिए। बाहर में इतना ज्यादा भीड़ था, मजा आ गया वो सब देखने के। चलो आप देखते हैं अंदर क्या क्या हो। कह रही है गरीब जैसे क्यों देख रही, पूजा नहीं शुरू की हो तो। तबीयत कैसा है तुम्हारा? ठीक, दर से आज तब से बनाने लगे, बन गया। पिंकी मामी, मम्मी कह रही थी पैर रंगने के लिए आपको। आइए 2 मिनट में, मम्मी अभी साड़ी पहन रही है। ओके okay. बोली आ रहे 2 मिनट में। क्या है ये सब चिपका के रख लिए बताओ? श्री श्याम, नानी पैर रंगवा रही है, पैर रंगवा के आती है तो तुम्हारा कर देंगी। क्या चाहिए नानी, क्या हाल चाहिए बोलो ना, हम कर देते हैं। केला का पत्ता सीधा है कि उल्टा है? सुबह देखी, तुमको सब पता रहता है फिर भी तुम नानी का हेल्प ली ना। इसी तरीके से हमको भी सब पता रहता, लेकिन जब मेरी मम्मी मेरे सामने है तो हम क्यों बिना पूछे काम करें? यहां तो उनके अनुसार से छठ करने तुमको नहीं आता है, इतने साल से कर रही हो। एक्सपर्ट एडवाइस जरूरी है किसी भी बड़े का, इसलिए हम हमेशा तुमको इतना तंग करते हैं। जा, क्या है मम्मी एक्सचेंज में कर रही हो? हाँ, तो पूजा हो गया, अब जब सब प्रणाम कर लेगा तब प्रसाद मिलेगा। तभी पापा का वेट हो रहा है, पापा आएंगे वो प्रणाम करेंगे, उसके बाद प्रसाद उतरेगा फिर खाएंगे। ये सीन तुमको रिकॉर्ड करना है, करो करो फोरो फोरो फोरो। छोड़ो छोड़ो सुनो ना, फोड़ो फोड़ो फोड़ो। आदमी आएगा आगे, हाथ में फोड़ना है ठीक है, हम पकड़ रहे हैं। अब मेरा हाथ नहीं, मुंह में। अब मेरा हाथ पकड़ रहे हैं, मुंह के बगल में समझ रहे हैं। फटाका फोड़िए, कीजिए ना, कुछ नहीं होगा। दो सिगरेट पकड़िए, हम बच्चे हम लगाएंगे। जो ना आता वो ऐसे ही देखता है खरना, और जो रहता है कभी कभी बहुत ज्यादा लेट आता है। हमारे केस में सिर्फ पिताजी है जो सबसे ज्यादा लेट आते हैं हर साल की बात ही। इस साल भी बस इनका वेट किया गया है पूजा समाप्त करने के लिए। अरे हम खर गए कि कनी पजामा। हाँ बहुत अच्छा बहाना मार रहे हैं, बट कोई बात नहीं, ये तो हर साल का है कि बस इनका वेट किया जाता है ताकि पूजा
को मम्मी नहीं हूँ कोई बात नहीं, अब मिलेगा प्रसाद। केला में डिस्कशन नहीं खत्म होगा, प्रसाद खाए हम, प्रसाद खाएंगे भाई, हम तो से प्रसाद नहीं खाए। मम्मी चाय पी चुकी है। मम्मी खाना कब खाओगी? बारह बजे तक तो ठकुआ बना बन जाएगा, तब तक मैं तो खत्म। ठकुआ तुम और सुबह मिलके बनाओगी और निमकी हम बनाएंगे। अरग लगता 3 बजे उठता हूँ, 3:30 बजे क्योंकि जल्दी शुरू अस्त हो जाता। नाना जी के साथ डालो वाह, पहली बार। हाँ केला है क्या? केला केला हाँ। बन चुका है कल का, तो अब मिलते हैं कल। नेक्स्ट मॉर्निंग, आज है सचकारक। सचकारक जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वो है अरग का सामान बनाना, तो अरग का सामान बन चुका है नानी। हाँ अभी मेरी मम्मी से बात हुई, मम्मी बोली कि ठेकुआ बन चुका अरग वाला। मम्मी नानी नाना मामी लोग मिल करके उधर बना लेती हैं, उसमें मेरा 0 योगदान रहता है। और यहाँ फिलहाल के लिए हम क्या क्या कर चुके हैं, झाड़ू पोछा किचन का खाना वगैरह सब सब हो चुका है। तो यहाँ सारा समेट करके फिर जो जो मम्मी लिस्ट दी है कि ये लेके आना है, वो सब ले करके जाएंगे नानी के यहाँ, जो बचा हुआ काम है वो करेंगे। हाँ पहुँच गए नानी यहाँ सारा सामान लेकर के। ओ हो सारा बन गया, क्या मस्त वाला वाला मैदा वाला। हमरा बता दे हम क्या कदी कदी करियो भाई, निमकी छान लो बस हो गया। A little longer than a few minutes later. चूल्हा इतना ज्यादा गर्म हो गया है कि इसमें धुआं दे रहा है, एंड वी हैव डाउट के साथ लकड़ी में आग लग चुका है। हाँ देखिए ना मम्मी जी, क्या लगता है आपको? ये पूरा छेद हो गया है, बच गया। उधर भी हुआ है क्या? पाइप में लगा नहीं, नहीं पाइप में नहीं लगा, बस लकड़ी में लगा। मम्मी मम्मी ब्रेकिंग न्यूज, डाला से आत रही हो? आग लग गया चौकी, उसमें पूरा आग लगा हुआ, पूरा इतना बड़ा गड्ढा हो गया। बुता देंगे ना? हाँ बुता दे लिया। आरक सक चुका है, मैच चल रहा है। निमकी तो अभी नहीं हुआ, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा, बट अब समय हो चुका है अरग उठने का। सारी तैयारियां हो चुकी है, इधर मम्मी सारा सजा ली, उधर भी सारा चढ़ चुका है, और अभी सब चिल्ला रहा है कि तैयार हो जा तैयार हो जा तैयार हो जा। सच बता रहे मन नहीं कर रहा तैयार होने का। देखते हैं समय निकाल करके तैयार होते हैं, फिर ऊपर मिलते हैं। चलो आई एम रेडी, मम्मी इज ऑल्सो रेडी। चलो चलते हैं छत पे लेके हम बच्चों को, क्योंकि सब चिल्ला रहा है कि लेट हो गया लेट हो गया। और यह होता है कि सब चिल्लाते रहता है कि लेट हो गया, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। नाना जी सबसे बड़ा डाला लेके जा रहे हैं, इतना मैंने नाना जी क्यों कर लिया। हो गया ना यात्री आ रहा था ना? ओके तो सांच का अरग हो चुका, ऑलमोस्ट 5 बजने ही वाला है, और मैच का अपडेट भी मिल चुका है। तो आज का तो काम खत्म हो चुका है, अब सिर्फ एक काम बचा हुआ है, वो है गोलगप्पा खाना। अब देखते कौन कौन जाता है, सभी को इकट्ठित करते हैं जाते हैं। और एक जन मिसिंग है अभी इसमें, वो है हनी। वी आर मिसिंग यू किसु, खुला हुआ आ जा किसु। हमारे गोलगप्पा पार्टी में कौन है एक जन जो मिसिंग है? हाय मिस कर रहे हैं अनिधि तुमको। हाँ बेचारा हमारा एक खिलाड़ी मैदान छोड़ के फील्ड बोर्ड हो चुका है। अब अनि ससुराल में गोलगप्पा खा रही होगी ना अनि, आप कमेंट करके मेरे को बताओ इसी वीडियो में। हाँ और हम लोग खाएंगे तो तुम देख के चिढ़ना कि हम लोग कितना खा रहे हैं। हाँ अभी एक हटिक करते फिर खाएंगे गोलगप्पा। चलो में अलग अलग ब्रेक सब आते रहता है। चलिए मुनवामा गोलगप्पा आइए ना, चलिए ना। नहीं अब 2 मिनट नहीं, हम 1.5 घंटे से वेट कर रहे हैं। चल जाइएगा ना, बउवा भी देख लेगा ना। ठीक है चलो मम्मी, चलो आ जाएंगे वो, चलिए इनका लेते हुए आएंगे। ठीक है आइए 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 आइए, चलो चलो हम लोग चलते हैं। हर साल की भांति इस साल भी गोलगप्पा खाने चल रहे हैं भाई, बढ़ानी को मिस कर रहे हैं।
हाँ चलो मैं आ चुकी हूँ घर, क्योंकि वहां पे सब मैच देख रहा था और मैं में हिम्मत नहीं था कि मैं बैठ के मैच देखू, आई कांट हैंडल प्रेशर। तो यहाँ पे कोई अपडेट देने वाला है नहीं, तो आई एम चिल। अब करना क्या है, अब करना क्या क्या हो चुका है मैं बता देती हूँ। जैसे कि आपने देखा कि हमने गोलगप्पा खा लिया, हमारा प्रतिष्ठा परंपरा वो हो चुका है। तो गोलगप्पा खाने के बाद थोड़ा सा बैठे, गपशप मारे, फिर यहाँ आ गए घर। अब यहाँ करेंगे क्या, यहाँ खाना खाएंगे, एडिटिंग करना है, वेरी इंपॉर्टेंट काम, और सो जाना है क्योंकि कल सुबह 3 बजे उठना है। देखते हैं कल सुबह मिलते हैं, और उस अगर जल्दी नींद खुल गया तो अच्छी बात है, नहीं तो जल्दी जल्दी तो करना ही है। ठीक है, क्या सुबह मिलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आप ना लीजिए ना, अभी तो ना आइएगा ना, आप नहा लीजिए उसके बाद हम नहा लेंगे, नहीं तो सुबह नहा लेता फिर हम नहा लेंगे। सुबह सुबह नहाने का जंग चालू है, कौन कहाँ नहाएगा। वैसे मेरा 2 बाथरूम है और 3 ही आदमी है, फिर भी यहाँ पे हो रहा है कॉम्पिटिशन। जिसके यहाँ कम रहता है उसके यहाँ पता नहीं क्या होगा। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। जी हाँ, सुबह सुबह हो चुका है और लेट हो चुका है, 4 बज चुका है। तो जल्दी 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 नहाते हैं, रेडी होते हैं, मेरे को तो रेडी होने में टाइम लगेगा। चलो रेडी होते हैं, नहाना यार, बाथरूम बिजी है, नथिंग न्यू, छठ वाले दिन कॉमन है। मेरे साल में सिर्फ एक ही दिन है जो मैं जल्दी उठती हूँ, वो है छठ का सुबह वाला समय, बाकी सब तो आई एम रेडी। लाइक लिटरली 15 मिनट में मैं रेडी हुई हूँ, फुल मेकअप, लाइक मी शो यू। वैसे फेस का मेकअप ये है, 15 मिनट में मैंने ये फुल फेस मेकअप किया है, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बट फिर भी बहुत ज़्यादा लेट है, तो ये सब समेटते हैं और चलते हैं, क्योंकि वहाँ भी केओस बना हुआ होगा। चल चल चल, हो गया, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं हमारे चीफ गेस्ट के लिए जो है सूर्य के। क्या हुआ, किधर है बंदर, आया बंदर, भाई साहब बंदर आ गया, किधर है बंदर, बहुत इनकाउंटर हो चुका है बंदर से अभी तक। टैलेंटेड बंदा है बंदरों को भगाने में। ये रहा हमारा सारा अड़क, और यहाँ पे सब रेडी है हमारे सूर्यदेव जो यहाँ से उगेंगे उनके लिए। चलो सबसे मिलवाते हैं। हेलो मम्मी। हेलो। ये रही छुटकी नानी, अब दुखी क्यों है, मैं खुश हूँ। ये रहे पापा, ये रहा मेरा कौर भाई, नाना जी आप लेट आए। हेलो, गजब का कपड़ा पहना है तुम। हेलो दीदी, हेलो दीदी, हेलो हेलो। सूर्य भगवान आ चुके हैं, सब बोल रहा है, देखते हैं। हाँ, इस दोनों के बीच में है, आ गए। साल में एक बार सूर्योदय देखते हो तो? एक दो बार देखते होंगे साल में, बस साल में एक ही बार रात भर जगे रहते हैं, सब सुबह सुबह देखते हैं। ऐसे गोल 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 बड़ा सुंदर है, अलग बात है चश्मा नहीं पहने हुए, लेकिन अच्छा दिख रहा है, तो गोल गोल बॉल जैसे। पापा दे रहे हैं, शुभम दे रहा है, तो मम्मी उठा रही है, बहुत हैवी है, बस अंतिम ही है, तो लास्ट का छठ फिनिश। अभी यहाँ पे मम्मी कथा कर रही है, उसके बाद मिलेगा प्रसाद। ओह माय गॉड, टीका कॉम्पिटिशन हो रहा है। मम्मी हमको भी दो ना प्रसाद। ये देखो, जिस अरक को 4 दिनों से छूने के लिए मना किया जा रहा था, आज उसी अरक को बिना हाथ धोए ठेकुआ निकाल के मैं उसमें से खा रही हूँ। ओह माय गॉड, गजब। एक बिहारी ही है
प्रकाश डूबते सूरज को भी पूजा करते हैं और उगते सूरज को भी पूजते हैं। इसी के साथ छठ का इस ब्लॉग का होता है एंड। ब्लॉग कैसा लगा बताना अभी के लिए। बाय नानी, बाय कर दे। गंगा सागर से चौथू भी लेके चलो ना। गंगा सागर से मेरे ब्लॉग को बाय कहो, बोलो सब्सक्राइब करें। राम राम भाई सारिया ने सब्सक्राइब कर दे भाई। बाय।